सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर गोविंदाओं की मंडली पर साफ साफ नजर आ रहा है। लाखों की इनामी मटकी फोड़ने के चक्कर में जान माल का नुकसान न हो इस पर तो नजर है ही, साथ ही उत्सव के दौरान कोई हादसा या फिर दुर्घटना न हो इसके लिए भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दादर हो या वर्ली, जोगेश्वरी हो या अंधेरी, हर तरफ एक जैसा उत्साह, एक जैसी भीड़ और एक जैसी गोविंदाओं की मंडली। लेकिन बीते साल की तुलना में इस बार जो फर्क नजर आ रहा है वो है सुरक्षा को लेकर ज्यादा फिक्र। गोविंदाओं की पिरामिड में जो बच्चा चोटी पर दिखता है, पिरामिड टूटने पर वो जमीन पर ना गिरे इसके इंतजाम किए गए हैं। गिरने या चोट लगने पर सिर को नुकसान न पहुंचे इसके लिए हेलमेट तक नजर आने लगे हैं। शायद यही वजह है कि इस बार मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता के दौरान घायल होने वाले गोविंदाओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। सोमवार दोपहर तक 20 गोविंदा घायल हुए, इनमें से 12 को KEM, 3 को सायन, 1 को नायर और 4 को अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया। असल में दही हांडी प्रतियोगिता पर रोक की मांग उठने के बाद इस तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों के हिस्सा लेने पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सा लेने वालों की उम्र 12 साल तक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोजकों ने राहत की सांसें ली। यही वजह है कि इस बार गोविंदाओं की टोली में 12 साल से कम उम्र के बच्चे नजर नहीं आ रहे। इस बार मटका फोड़ने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो वैज्ञानिक और पहले से ज्यादा सुरक्षित। इसके लिए मुफ्त में ट्रेनिंग तक दी गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले 4 इको ऊपर के 4 इको के लिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसमें से आपने अभी लाइव देखा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि 100% सेफ्टी है। जन्माष्टमी की धूम तो पूरे देश में है, लेकिन महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता की वजह से ज्यादा ही जोश नजर आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, खासकर मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में। महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। होमगार्ड और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 4 बटालियन को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम लोगों के उत्साह में इजाफा ही किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गोविंदाओं की टोलियां हर बार इसी तरह रंग जमाने में कामयाब होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।